हम लोगों को चींटी के समान समझते हैं वे, लेकिन जब चींटी उसके सुर में, हाथी के सुर में घुस जाती है, हाथी चित होता है। नीतीश कुमार क्या चीज है? कुछ नहीं दे रहे हैं तो कौन आपको जिंदाबाद करेगा? हम तो मुर्दाबाद ही करेंगे। हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यदि मांग यदि पूरा नहीं करते तो हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। प्रति इज्जत प्रतिष्ठा कुछ भी है तो हम लोगों को वेतन मान कर आर पार की लड़ाई है, करो या मरो जो भी होगा। लोगों के कपड़े फाड़े हैं, भद्दी भद्दी गालियां दी है, तो जो आपका लाठी बरसा है तो हमारा भी वोट बरसेगा। आप देख रहे स्टार्टअप न्यूज बिहार, दिल की बात जनता के साथ। अभी हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिला के जो रुपोली प्रखंड के रुपोली ब्लॉक के अंतर्गत है, जो यहां सेविका और सहायक लगातार धरना चल रहे हैं। इन लोगों का कहना है लाल साड़ी का सुनो पुकार, अब न चलेगा अत्याचार। लाल साड़ी का सुनो पुकार, अब न चलेगा अत्याचार। इन लोग से जानते हैं आखिर किस लिए बार बार धरना प्रदर्शन रख रहे हैं। और मैडम सबसे पहले अपना नाम बताइए। उषा सहनी, XMLC। आप लोग आए मैडम क्या, किस मुद्दे को लेकर आप धरना प्रदर्शन करें बार बार? पूरे बिहार की जो हमारी आंगनवाड़ी सेविका है लगातार 29 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। नहीं अक्टूबर से सितंबर 29 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। और बहुत कुछ बड़ी मांगे हम बिहार सरकार के समक्ष नहीं रखे हुए हैं। हम लोग का है कि कम से कम बिहार सरकार 10,000 अतिरिक्त मानदेय हमारी आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका को दे। बिल्कुल। आप लोगों को क्या शोषण लगता है? अभी तक तो सरकार हम लोगों की बात नहीं मान रही है, लेकिन जब तक मानेगी नहीं तब तक हम लोग हटेंगे नहीं। ऐसा हाँ, झुकले वाले नहीं है हम लोग। इस बार आर पार की लड़ाई है, करो या मरो जो भी होगा। और इनका साथ है, राष्ट्रीय साथ है, तो हम लोग को डरने की कोई बात नहीं है। हम लेके रहेंगे अपना अधिकार। नारी की शक्ति के सामने बड़े बड़े नेता नहीं टिक सके थे, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्या है? जी। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार को? हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का यदि मांग यदि पूरा नहीं करते तो हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। ये 6 महीना रहेगी, साल भर है, हम लोग हड़ताल जारी रहेगा। आने वाले चुनाव है 2024 में, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल 2024 में सरकार को पस्त करना है। बिल्कुल, मोदी सरकार तो बिल्कुल एक भी पैसा नहीं बढ़ाई है, उनको तो हम लोग सब सिखाएंगे ही। और बिहार सरकार जो नीतीश जी हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और हमारी महिलाएं रोड पर है जिनको पानी का बौछार करवाते हैं और पुलिस के डंडा मारते हैं, तो वो भी चुनाव मैदान 25 में आएंगे, उनसे भी हम लोग को वार्ता होगी अच्छी तरह से। और अभी आंगनवाड़ी सेविका की बात वो नहीं कर रहे हैं, उनकी मांगों को नहीं मान रहे हैं, तो सरकार फिर जाएगी कहाँ? जैसे आप लोग सुने हैं कि अभी एक अपना मुख्यमंत्री, जो बिहार का मुख्यमंत्री, इनका कहना है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आखिर बेटी क्यों उतर रहे हैं सड़क पे धरना प्रदर्शन, आखिर क्यों दे रहे बार बार नारी शक्ति इन लोग से? मतलब क्यों लगातार जो आप लोग कर रहे धरना प्रदर्शन के बारे में बताइए। मैं अपनी मांगों के लेकर धरना प्रदर्शन पर हूँ। अभी 2 महीना 2 दिन से हम लोग लगातार सड़क पर उतरी हुई हूँ। अभी हम लोग विधानसभा का घेराव करने गई तो वहाँ पर पुरुष प्रशासन से लाठी चार्ज करवाया गया। हम लोगों का कितनी बहनें घायल हुई, कितनी मरी भी, कितने को हाथे टूटी, कितने की पैर टूटी, सब कुछ यातनाएं सरकार अपने तरफ से कर चुकी है, लेकिन हम लोग अडिग हैं। जब तक मेरी बात वो नहीं सुनते हैं तब तक हम लोग नहीं सुनेंगे, सरकार की बात नहीं सुनने वाले हैं। इस चोट का बदला हम सरकार को वोट से लेंगे, वोट से लेंगे। सरकार हम लोगों को मामूली समझ रही है ना, समझने नहीं देंगे। इस बार वो भी समझ जाएंगे कि नारी शक्ति क्या है, वो उनको इस बार धूल चटाकर ही दम लेंगे। हम लोगों को चींटी के समान समझते हैं वे, लेकिन जब चींटी उसके सुर में, हाथी के सुर में घुस जाती है, हाथी चित होता है। नीतीश कुमार क्या चीज है? कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे स्टार्टअप न्यूज़ बिहार, दिल की बात जनता के साथ।